हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉर्ट और स्टैक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं आपको इतना अच्छा से बता दूंगा कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सॉर्ट और स्टैक हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आप भूलना चाहोगे लेकिन नहीं भूल पाओगे। क्वेश्चन क्या है? गिवन अ स्टैक द टास्क इज टू सॉर्ट इट सच दैट द टॉप ऑफ द स्टैक हैज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो हमें स्टैक को इस तरीके से सॉर्ट करना है कि जो उसका टॉप एलिमेंट हो वो हमेशा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। मतलब क्या? मतलब हमें स्टैक को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको काफी अच्छा से बताता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो जो सबसे नाइव अप्रोच है, आप बता सकते हो क्या कि सर मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बना लूंगा जितना साइज का स्टैक है उतना ही साइज का, और हर एक एलिमेंट को मैं ट्रैवर्स करके इसमें डाल दूंगा, इस वेक्टर में। पहले 11, फिर 2, फिर 32, फिर 3, फिर 41, और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा, जो कि काफ़ी आसान है। मैं बोलूंगा एकदम सही, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज नहीं करना है और हमें इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तब मैं कैसे करूंगा? तब जो आइडिया आता है रिकर्सन का। किसका आइडिया आता है? रिकर्सन का। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आता है। सपोज करो आपके पास ए स्टैक में कुछ एलिमेंट दिए हैं, जैसे 11, 2, 32, 3, 41। तो इसका आइडिया क्या है, ध्यान समझो। इसका आइडिया ये है कि जो टॉप का एलिमेंट स्टैक का है उसको मैं कहीं रखूंगा बाहर, उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, और जो बाकी के जितने भी एलिमेंट है, जो बाकी के जितने भी एलिमेंट है इसको मैं सॉर्ट करूंगा। ध्यान समझो, ध्यान से क्या समझना है कि जो सबसे टॉप का एलिमेंट है उसको मैं कहीं बाहर रख लूंगा किसी वेरिएबल में, और बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे उसको मैं सॉर्ट कर लूंगा, उसको मैं सॉर्ट कर लूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर 41 को उसके करेक्ट पोजिशन पर डाल दूंगा। तो मानो कि मैंने इसको सॉर्ट कर लिया रिकर्सिवली। कैसे किया है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो मानो मैंने इसको सॉर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? पहले 32, फिर 11, फिर 3, फिर 2, और हमारा 41 बच गया है। 41, तो 41 को मैं क्या करूंगा, इसके करेक्ट पोजीशन पर डाल दूंगा। तो 41 कहाँ आएगा? तो आप बोलोगे सर 41 सबसे पहले आएगा, तो 41 सबसे पहले आ गया, और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टैक है शॉर्ट हो गया। लेकिन होगा कैसे, होगा कैसे, चलिए मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें करके दिखाता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो स्टैक दिया हुआ जो एलिमेंट मैं इसको डाल लूँगा, जैसे 11, 2, 32, 3, 41। हमने क्या बताया, हमने आपको क्या बताया कि मैं जो टॉप के एलिमेंट होगा, टॉप के एलिमेंट उसको मैं अलग किसी वेरिएबल में रख लूंगा या फिर फंक्शन कॉल स्टैक में रख लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट उसको मैं एक फंक्शन कॉल स्टैक में रख लूंगा। तो सपोज करो मैंने 41 को फंक्शन कॉल स्टैक में रख लिया, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। फिर हमने क्या किया रिकर्सिवली, अब इसके लिए इसका जब टॉप कौन बच गया, 3, तो फिर मैंने 3 को रख लिया। फिर मैं क्या करूंगा, 32 इसका बच गया, मैं इसको रिमूव कर दिया, तो 32 यहाँ आ गया। फिर मैं इसको रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, हमारा 2 बच गया, तो 2 यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया, फिर मैंने क्या किया 11 को रिमूव किया, तो 11 हमारा यहाँ आ गया। अब ध्यान समझो, हमारा स्टैक अब क्या हो गया, एम्प्टी। स्टैक हमारा क्या हो गया, एम्प्टी। अब मैं क्या करूँगा, अब ध्यान समझो, अब बहुत ध्यान समझने की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, हमने क्या किया रिकर्सिवली, हर एक टॉप को हमने रिमूव कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैं इसमें से एलिमेंट निकालने की कोशिश करूंगा और इसको इस तरीके से इस स्टैक में इंसर्ट करूंगा ताकि जो हमारा स्टैक है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। तो मैं सबसे पहले इस एलिमेंट को निकालूंगा 11, और मैं चेक करूंगा क्या जो 11 है, क्या जो 11 है इसमें जो एलिमेंट है उससे बड़ा है या छोटा है। तो मैं देख रहा हूँ जो हमारा स्टैक है ये तो एम्प्टी है। जब एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा, 11 को ऐसे ही डाल दूंगा, क्योंकि जब एक एक एलिमेंट है तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि जो 11 है वन एलिमेंट है, और एक एलिमेंट रहता है तो ऑलरेडी सॉर्टेड रहता है। तो मैं 11 को इसमें डाल दूंगा, और 11 को मैं क्या करूंगा, फिर इसमें से रिमूव कर दूंगा। मैं 11 को इसमें से रिमूव कर दिया, मतलब 11 हमारा इसमें आ गया जो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर निकालूंगा, 2 को। और जैसे मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो मैं चेक करूंगा क्या जो स्टैक का टॉप है, स्टैक का टॉप वो लेस देन है इससे, कि जो स्टैक का जो टॉप है, टॉप क्या लेस देन है इस एलिमेंट से। जैसे मैं मान लेता हूँ ए एलिमेंट, इस एलिमेंट में से जैसे मानूँ ए एलिमेंट जो इसमें एलिमेंट आ रहा है पहले वो इंट एक्स में आ रहा है, इसका अगर मान लेता हूँ एस टी टू का टॉप मान लो एक्स में आ रहा है, एक्स में, तो क्या है एक्स से स्मॉलर है, मतलब जो 11 है 11
वो टू से छोटा है? नहीं, टू से छोटा नहीं है। टू से छोटा नहीं है मतलब क्या? अगर टू से छोटा रहता, समझ लो अगर जो यहाँ, अगर सपोज करो यहाँ अगर ट्वेल्व रहता, ट्वेल्व अगर ट्वेल्व रहता और इलेवन पहले से यहाँ है तो ट्वेल्व डायरेक्ट यहाँ आ जाता, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। तो इलेवन से ग्रेटर जब ट्वेल्व है तो ट्वेल्व इसका पहले ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो टू है। तो उस केस में मुझे क्या करना है? उस केस में देखो अब ध्यान से, फिर से हमें तो टू रखना है, तो उस केस में मुझे क्या करना है? फिर से जो इलेवन है इसको एक अलग फंक्शन कॉल स्टैक में रखना है, इलेवन को यहाँ से रिमूव कर देना है, और फिर मुझे चेक करना है क्या जो टू है, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है, वो लेस देन है एस से। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब टू को मैं आराम से इंसर्ट कर सकता हूँ, और फिर से मैं इलेवन को इसमें से निकालूंगा, इलेवन से इसमें डाल दूंगा, इलेवन को इसमें डाल दूंगा। तो अब मैं देख रहा हूँ इलेवन और टू हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है, और टू को मैं क्या करूँगा इसमें से निकाल दूंगा। टू को मैं क्या करूँगा इसमें से, हमने निकाल दिया, ठीक है, टू को हमने इसमें से निकाल दिया, ध्यान समझो अब। और फिर हमारा एक्स इजिकल टू क्या हो गया? 32। जब एक्स इजिकल टू हमारा 32 हो गया तो मैं चेक करूंगा क्या जो 32 है वो इलेवन से ग्रेटर है, मतलब जो स्टैक का टॉप है इलेवन वो लेस देन है 32 के। यस, लेस देन है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इसको इसमें इंसर्ट कर दूंगा। हमने डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया, जैसे मैंने डायरेक्ट इंसर्ट किया तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 32 को भगा दूंगा, और 32 यहाँ से हट गया और इलेवन तो यहाँ से हटा ही है, ठीक है सर, समझ गया। अब हमारा क्या है? 3। तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। अब मैं क्या करूंगा, 3 को यहाँ डालने की कोशिश करूंगा सॉर्टेड ऑर्डर में, जो भी मैं काम कर रहा हूँ अब सॉर्टेड ऑर्डर में कर रहा हूँ। तो मैं चेक करूंगा क्या जो स्टैक का टॉप है, मतलब जो 32 है, वो लेस देन है 3 से? नहीं, 3 से लेस देन नहीं है। तो जब तक लेस देन नहीं है, स्टैक के टॉप को एलिमेंट को बाहर निकालते जाना है। तो पहले हमने 32 को बाहर निकाल लिया, फिर 11 चेक किया, क्या 11 लेस देन है? नहीं, 11 देन लेस देन नहीं है। तो फिर हमने 11 को बाहर निकाल लिया, फिर मैंने 2 से कंपेयर किया, क्या 2 लेस देन है? हाँ, 2 लेस देन है, मतलब क्या 2 के बाद हमारा 3 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो हम रिमूव कर दिए हैं, ये दोनों हमारा रिमूव हो गया। अब जो हमारा 3 होगा, 3 इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर जब आ गया तो फिर मैं इसमें के एलिमेंट को एक एक बाहर निकालूंगा, 11 और 32 इसको हमने इसमें डाल दिया, हमने क्या किया इसमें इसको डाल दिया, ठीक है सर, समझ गया, इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान समझो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको तो ये हमारा बाहर निकल गया। अब हमारा एक्स का वैल्यू हो गया 41। मैं चेक करूंगा क्या जो स्टैक का टॉप है, मतलब 32, ये लेस देन है 41 से? हाँ, लेस देन है। तो मैं 41 को डायरेक्ट इसमें डाल दूंगा, मैं 41 को इसमें से निकालूंगा, डायरेक्ट इसमें डाल दूंगा। और जैसे ही मैं डाल दिया तो हमारा स्टैक ये एम्प्टी हो गया, और जैसे ही हमारा स्टैक ये एम्प्टी हो गया, ये हमारा एम्प्टी हो गया, हमारा सारा सारा एम्प्टी हो गया, और ये भी हमारा एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगा अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो मैं देख रहा हूँ, देखो 41, फिर 32, फिर 11, फिर 3, फिर 2, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं हो गया, हो गया। तो हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है, देखो हमने कुछ नहीं किया है, जो भी एक बार बता देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, जैसे 11, 2, 32, 3, 41, हमने क्या किया, ट्रैवर्स करते करते सबसे लास्ट तक गया, सबसे लास्ट, और सबको हमने रिकर्सिवली अलग अलग करके फंक्शन कॉल स्टैक में हमने इसको रख लिया। फंक्शन कॉल स्टैक में रखने के बाद जो सबसे टॉप का एलिमेंट था उसको अब मैं सॉर्टेड पोजिशन पर इंसर्ट करने की कोशिश किया हूँ, कि अगर जो हमारा स्टैक सॉल्ट रहता तो कहाँ रहता, राइट? वैसे करते करते मैं इसको फंक्शन कॉल स्टैक की हेल्प से इसको डाल दिया हूँ। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा तो ओ ऑफ एन हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ओ ऑफ एन होगा लेकिन रिकर्सिव होगा, क्यों? क्योंकि हमने स्टैक लिया नहीं है, मैं आपको यहाँ दिखाया हूँ कि ऐसे फंक्शन कॉल स्टैक बन जाएगा, फंक्शन कॉल स्टैक आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ स्टैक बनाया, लेकिन इस सारा सारा फंक्शन कॉल स्टैक है, क्योंकि मैं बार बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपन करके दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें आपको और समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 11, 2, 32, 3, 41, 11, 2, 32, 3, 41 सपोज करो हमारा स्टैक है 11, 2, 32, 3, 41। देखो हमने क्या किया, सॉर्टेड स्टैक, अगर एम्प्टी नहीं है तब क्या करना है, एक्स में एक्स एस का टॉप रख लेना है, जैसे एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 41, एस डॉट पॉप इसमें से रिमूव कर देना है, फिर सॉर्ट फंक्शन कॉल करना है, मतलब सॉर्ट हमारा फिर से यहाँ आ गया, फिर एक्स में एस का टॉप रख लेना है मतलब 3, फिर हमको 32, फिर 2, 11, मतलब फंक्शन कॉल स्टैक में हमारा आ गया 32, 2 और 11, हमने इसको रख लिया, हमारा ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, सॉर्टेड इंसर्ट, मतलब स्टैक जो हमारा इम्प्टी हो गया, तो स्टैक तो हमारा इम्प्टी हो गया, स्टैक यहाँ आ गया, और एक्स एक्स का वैल्यू सबसे पहले क्या है, 11, तो 11 को मुझे इसमें इंसर्ट करना है। तो मैं देख रहा हूँ मैं यहाँ आ गया सॉर्टेड इंसर्ट, मैं देख रहा हूँ स्टैक अगर इम्प्टी है या फिर जो एक्स है ग्रेटर देन है एस के टॉप से, तब तो मैं ऐसे ही पुश कर दूंगा, तो इम्प्टी है तो मैं 11 को इसमें डाल दिया, अब 11 को इसमें से मैं भगा दूंगा, ठीक है, भाग गया। अब मैं क्या करूंगा, रिमूव द टॉप एलिमेंट एंड रिकर्सिवली इंसर्ट द एलिमेंट इन द रिमेनिंग स्टॉक,
हमने इसको हटा दिया है, ठीक है। अब टेम्प इक्वल टू एस का टॉप, जो एस का टॉप है उसको हमने, इसको हमने टेम्प में रख लिया है, ठीक। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, इसको मैंने रिमूव किया, और फिर से जो एलिमेंट है पहले 2 को डाला और फिर 11 को डाला, ऐसे ही मैं डालते जाऊँगा, ऐसे ही मैं करते जाऊँगा, और लास्ट में एलिमेंट को मैं पुश करते जाऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया सेम से वही चीज़ें मैं यहाँ कर रहा हूँ। वाले फंक्शन कॉल स्टैक में जैसे एक वेरिएबल लिया गया है, एक्स का वैल्यू बार बार आ रहा है, लेकिन एक वेरिएबल में इतना वैल्यू मैं नहीं रख सकता हूँ, तो हमारा फंक्शन कॉल स्टैक बन जाएगा ना। तो फिर 11 को मैं इसके करेक्ट पोजीशन पर डालूंगा, फिर 2 को मैं करेक्ट पोजीशन पर डालूंगा, फिर 32 आएगा, 32 यहाँ आ जाएगा करेक्ट पोजीशन पर, फिर 3 आएगा तो 3 हमारा करेक्ट पोजीशन पर यहाँ आ जाएगा, फिर 41 आएगा, 41 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ऐसे ही मैं इसको कर दूंगा। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इन केस समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो, इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो भाई ऐसे ही सॉर्टेड है, ठीक। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, जैसे 11, 2, 32, 3, 41 है सपोज कर लो, तो टॉप में क्या करो, एस का पिक, जैसे टॉप कोई वेरिएबल है, एस का पिक यानी 41 इसमें रख दिए और इसको रिमूव कर दिए, फिर शॉर्ट फंक्शन कॉल किए, शॉर्ट फंक्शन कॉल किए और फिर से 3 को इसमें रख लिए, इसको रिमूव किए, फिर से 32 को रख लिए, फिर से 2 को रख लिए और फिर से 11 को रख लिए, तो कैसे हो जाएगा कॉल स्टैक में, पहले 41 फिर 3 और फिर 32 फिर 2 और फिर 11, ऐसे हो जाएगा फंक्शन कॉल स्टैक। और फिर सॉर्टेड एड कर, इंसर्ट द पॉप एलिमेंट एट द करेक्ट सॉर्टेड पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, बेस केस, इफ द स्टैक इज एम्प्टी और द टॉप ऑफ एलिमेंट इज स्मॉलर देन द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, वैसे ही डाल देना है। तो स्टैक एम्प्टी है तो पहले हम क्या कर देंगे, ऐसे ही डाल देंगे, तो 11 को ऐसे ही डाल दिए। पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, अब ना मैं क्या कर दूंगा, इसके एलिमेंट को पॉप कर लूंगा, पॉप कर लूंगा और फिर सॉर्टेड ऐड को कॉल करूंगा, फिर हमारा सॉर्टेड यहाँ ऐड आया तो फिर हमारा अब 2 के लिए जाएगा, तो 2 इसके पीछे चला जाएगा और लास्ट में हमें एलिमेंट को इसमें पुश कर देना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इनकेस समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप डीएसए काफी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें काफी स्ट्रक्चर्ड वे में सारा का सारा चीज डिजाइन किया गया। या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे जो डीएसए है वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगा, तो आप इस लिंक पर जाकर C++ और जावा दोनों लैंग्वेज में डीएसए ले सकते हैं। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा C++ का कोड है जो मैंने आपको बताया है, सेम से वही कोड है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। मैं क्या कर दूंगा, सबमिट पर कर दूंगा क्लिक, और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा कोड हमारा रन कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा कोड रन कर रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, जेपी का कंपाइलर काफ़ी अभी स्लो चल रहा है और मेरा इंटरनेट भी काफ़ी स्लो चल रहा है, तो अभी कोड हमारा रन करेगा और फिर मैं दिखाऊंगा आपको जावा का कोड, ठीक है। तो अभी टाइम लग रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस माइट बी आई दिस सबमिशन इज टेकिंग टू मच टाइम। मैं क्या करूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारा C++ का कोड है, मैं क्या करता हूँ सबमिट पर फिर से क्लिक करता हूँ। इंटरनेट कभी कभी स्लो चलता है उसके कारण ये सबमिट नहीं हो पाता है, ठीक है। देखो हमारा सबमिट हो चुका, और मैं क्या करूँगा आपको जावा का कोड दिखाऊंगा। ये हमारा जावा का कोड है, सेम से वही कोड है जो मैंने आपको दिखाया है। मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक, पता नहीं इंटरनेट क्यों इतना स्लो चल रहा है यार। हाँ देखो हमारा सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कर दो लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है तो भी आप कर दो। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।